आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। गाजियाबाद समेत देश भर में प्राइवेट डॉक्टर आईएमए के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर की ये हड़ताल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को लेकर की जा रही है, जिसका डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे मेडिकल लाइन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, साथ ही इसमें कई अन्य कमियां भी हैं। तो दूसरी तरफ हड़ताल के चलते ओपीडी पूर्णतया बंद रहेगी, जबकि आपातकालीन सेवाएं अस्पतालों में जारी रखने की बात कही गई। कल की स्ट्राइक ऑल ओवर इंडिया सभी जगह पर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे 12 घंटे के लिए है, और इसमें छोटे बड़े सभी अस्पताल, इंडिविजुअल डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स शामिल हैं। मानवीय आधार पर डॉक्टर्स कभी भी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं करते, और कल भी इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो चालू रहेंगी। ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरीज कल बंद रखी जाएंगी। बुलंदशहर के आहार रोड स्थित कब्रिस्तान में 2 मासूमों की कब्र से शव गायब हो गए। दरअसल मृतक मासूमों के परिजन जब कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंचे तो वहां मासूम की कब्र खोदी हुई थी और शव गायब थे। परिजनों का आरोप है कि शव निकालने के पीछे तांत्रिकों का हाथ है। वहीं सूचना पर क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन कर मामले की जाँच करने के लिए लगा दिया। मथुरा स्थित बरसाना के गांव नंदगांव में अज्ञात लोगों ने घर से बुलाकर एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद घटना की जानकारी होने पर मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मृतक की दादी ने पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी है। मथुरा के जमुनाबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रस्सी से गला दबाकर हत्या की है। वहीं वारदात के बाद आरोपी प्रेमी फरार हो गया, जबकि आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के थाने रिफाइनरी क्षेत्र में बच्ची का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। लोगों ने बताया कि बच्ची का भ्रूण कूड़े के ढेर में पड़ा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पीलीभीत के बिसलपुर थाने क्षेत्र में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रागियों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हाथरस में NH93 के लहरा बाईपास पर घने कोहरे के चलते रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया है। हादसे को लेकर पुलिस ने रोडवेज बस चालक को हिरासत में लिया है। हाथरस के गांव कुपकई में एक बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं था, जिस कारण वो अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था, जहां उसकी ठंड से मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर SDM ने तहसीलदार को मौके पर भेजकर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। घने कोहरे के कारण आगरा स्टेशन से गुजरने वाली अप डाउन की सारी ट्रेनें घंटों देरी से स्टेशन पर पहुंच रही हैं, जिस कारण यात्रियों को कड़ाके की सर्दी में प्लेटफॉर्म पर ही समय गुजारना पड़ रहा है। तो वहीं ट्रेन ड्राइवरों को भी गाड़ी चलाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, सर्दी में रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत का कोई भी इंतजाम नहीं किया है, जिसके कारण लोग इस कड़ाके की सर्दी में ठिठुरने को मजबूर हैं। बांदा के मंडी समिति के सामने किसानों ने धान खरीद केंद्रों में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया और घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। किसान ने कहा कि वह यहां हफ्तों तक धान बेचने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन उनका धान नहीं खरीदा जा रहा, जबकि कुछ लोगों का बिचौलियों के माध्यम से धान खरीद लिया जा रहा है। बहरहाल किसानों की शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने समस्या के निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। सिद्धार्थनगर की बांसी नगर पालिका द्वारा लगाए जाने वाले माघ मेले की तैयारियों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने सभासदों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। बैठक में माघ मेले के उद्घाटन के लिए 15 जनवरी पर आम सहमति बनाई गई। बता दें कि ये मेला 1 माह तक चलता है। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि दुकानदार और जनता के कहने पर मेले की अवधि बढ़ाई जा सकती है। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध प्राचीन कालीरात मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ पर्यटक घूमने आते हैं। वहीं कई लोग यहां अस्थि विसर्जित भी करते हैं। आस्था का बड़ा केंद्र होने के बाद भी बिजली और पानी समेत शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं संबंध में मंदिर के पुजारी ने सरकार से समस्या का निराकरण करने की बात कही है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।